Now welcome in the next lecture of pair of straight lines. Now pair of straight lines इस chapter में अब तक हमने किया the second degree equation. अगर दो एक straight lines की equation को अगर हम multiply कर दें then this will represent a pair of straight lines. ax plus by plus c is equal to 0 और दूसरी लाइन हमारे पास a dash x plus b dash y dash b dash y प्लस सी डैश इज इक्वल टू जीरो. तो ये इन दोनों की ज्वाइंट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. उसके बाद हमने किया द जनरल सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन. सेकंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन है हमारे पास तो वो कौन सी फॉर्म की होगी. दैट विल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. एंड दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइन्स. तो ये टू डिफरेंट पेयर को रिप्रेजेंट करेगी. पेयर ऑफ टू डिस्टिंक्ट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी पासिंग थ्रू द ओरिजिन. एक बात और भी ध्यान रखनी है कि अगर ये दो इक्वेशंस को दो स्ट्रेट लाइन्स की ज्वाइंट इक्वेशन है देन बोथ द स्ट्रेट लाइन विल पास थ्रू द ओरिजिन. कब? अगर एच स्क्वेयर माइनस ए बी क्या होगा ग्रेटर देन जीरो. और अगर एच स्क्वेयर माइनस ए बी की वैल्यू अगर हमारे पास जीरो आती है देन ये जो ज्वाइंट इक्वेशन है दिस विल रिप्रेजेंट ओनली वन लाइन. और अगर एच स्क्वेयर माइनस ए बी नेगेटिव आता है देन दिस विल रिप्रेजेंट एन एम्प्टी सेट. नेक्स्ट ए एक्स स्क्वेयर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो. अगर ये टू डिफरेंट लाइन को रिप्रेजेंट करता है से अगर ये टू डिफरेंट लाइन वाई इज इक्वल टू एम वन एक्स और वाई इज इक्वल टू एम टू एक्स को रिप्रेजेंट करता है देन एम वन और एम टू जो है दीज विल बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बी एम स्क्वेयर प्लस टू एच एम प्लस ए इज इक्वल टू जीरो. क्योंकि ये दोनों अगर ये ज्वाइंट इक्वेशन है तो दोनों लाइन जीरो जीरो से पास करेंगी. सो दैट्स वाई यहां पे जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है दैट विल बी जीरो इन बोथ द इक्वेशंस. और यहां पे फर्स्ट लाइन की स्लोप हमारे पास एम वन है और दूसरी लाइन की स्लोप एम टू है. और एम वन और एम टू की वैल्यू हम फाइंड करेंगे कहां से बी इंटू एम स्क्वेयर प्लस टू एच एम प्लस ए इज इक्वल टू जीरो. तो ये हमारे पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन एम. एम वन इज एम और एम वन और एम टू इसके रूट्स हैं. सो एम वन प्लस एम टू की वैल्यू हमारे पास माइनस टू एच ओवर बी एंड एम वन इंटू एम टू की वैल्यू होगी ए ओवर बी. नाउ अब ये इक्वेशन हमारे पास कहां से आएगी. गिवन तो हमें ये वाली इक्वेशन होगी तो क्या करेंगे. तो इस इक्वेशन में अगर वाई को रिप्लेस कर दोगे आप एम के साथ और एक्स को रिप्लेस कर दोगे वन के साथ सो वी विल गेट दिस इक्वेशन. नेक्स्ट द एक्यूट एंगल. अगर लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं अगर ये ज्वाइंट इक्वेशन है टू डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस की और अगर वो दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं. अगर लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं जैसे ये वाली तो अगर अगर थीटा उनमें एक्यूट एंगल है देन टेन थीटा की वैल्यू कहां से आएगी. दैट इज टू इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ एच स्क्वेयर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी. तो ये हमारे पास एक्यूट एंगल है ये भी आपने याद रखना है. नेक्स्ट तो ये दो लाइंस अगर y इज इक्वल टू एम वन एक्स और y इज इक्वल टू एम टू एक्स ये परपेंडिकुलर कब होंगी. कंडीशन क्या होगी अगर a प्लस बी की वैल्यू जीरो हो. सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेगी वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं अगर एच स्क्वेयर माइनस ए बी की वैल्यू जीरो हो. और नेक्स्ट हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट कि ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन बिटवीन द लाइंस. जैसा कि मैंने बताया कि एक तो एक्यूट एंगल होगा और एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा और दोनों एंगल्स का जो बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन होगी उन लाइंस की ज्वाइंट इक्वेशन जो होगी दैट विल बी गिवन बाय एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ओवर ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई ओवर एच. तो ये भी हमारे पास कुछ ऐसी ही जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे कुछ इस फॉर्म की ही इक्वेशन आ जाएगी. बोथ विल बी पासिंग थ्रू जो बाइसेक्टर्स की बात कर रहा हूं तो जो बाइसेक्टर भी होंगे
क्योंकि ये दोनों इक्वेशन जो हैं, अगर ये ज्वाइंट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन जीरो जीरो से पास करती हैं, तो इनके बाइसेक्टर्स भी जो होंगे, एंगल बाइसेक्टर जो होंगे, वो भी जो लाइंस होगी वो भी जीरो जीरो से ही पास करेंगी। तो ये तो था हमारे पास कि अगर हमारे पास यहां पे हमने बात की सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन की, मीन्स अगर दो लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइंस हैं, जीरो जीरो से पास करेंगी। नेक्स्ट हमने उससे बाद हमने बात की थी कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, तो वो कुछ इस फॉर्म की होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। सो दिस विल रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर दिस कंडीशन ए इंटू बी इंटू सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, जीरो। मीन जो पहली हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी, अगर वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है तो दोनों इक्वेशन जीरो जीरो से पास करेंगी। अगर ये वाली इक्वेशन टू स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, देन मे बी ये जीरो जीरो से पास ना करे, मे बी ये भी हो सकता है कि मैक्सिमम वन लाइन ऑरिजन से पास करेगी और दूसरी लाइन जो होगी वो नॉन, मीन्स दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जीरो जीरो नहीं होगा। लेकिन यहां पे जो दोनों लाइन थी वहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों का क्या था, जीरो जीरो। ओके नाउ, तो ये वाली जो सेकंड जनरल इक्वेशन है सेकंड डिग्री की, ये स्ट्रेट लाइंस के पेयर को रिप्रेजेंट करेगी अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी। और सिमिलरली अगर दोनों इंटरसेक्ट करती हैं लाइंस, एंगल उनमें थीटा है, देन टेन थीटा की वैल्यू सेम, वही फार्मूला। और लाइंस परपेंडिकुलर कब होंगी, जब ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। नाउ नेक्स्ट जो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द कर्व। मीन्स एक हमारे पास कर्व गिवन होगी, जैसे यहां पे हमारे पास, अगर ये हमारे पास एक कर्व है सेकंड डिग्री की और एक स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों कर्व और लाइन की अगर बात करें, कर्व और लाइन की बात करें, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, एक पॉइंट हमारे पास ए आ रहा है और दूसरा पॉइंट हमारे पास बी आ रहा है। मीन्स कर्व एंड लाइन इंटरसेक्ट एट ए एंड बी। तो क्वेश्चन यहां पे हमारे पास, जो हमारा आज का टॉपिक है, कि इन कर्व और लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट ए और बी है, अगर ए को भी मैं जीरो जीरो से ज्वाइन कर दूं, एक तो हमारे पास ये वाली स्ट्रेट लाइन आ जाएगी ओ ए, और दूसरी स्ट्रेट लाइन जो होगी दैट विल बी ओ बी। तो आज जो हमने करना है, ओ ए और ओ बी की ज्वाइंट इक्वेशन की बात करेंगे, ओ ए एंड ओ बी। अब ए और बी कहां से आया, जब लाइन और कर्व, कर्व और लाइन जब इंटरसेक्ट करेंगी, गिवन हमें क्या होगा, हमें सिर्फ ये कर्व की इक्वेशन दे रखी होगी और ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी होगी। और हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ज्वाइंट इक्वेशन आपने करनी है लाइंस की, ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन एंड दी कर्व। तो ओ ए और ओ बी को जब ओ ए की इक्वेशन आएगी, ओ बी की आएगी, जब उन, अब हमने क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके एक ज्वाइंट इक्वेशन लिखनी है। अब क्योंकि ये जो दोनों लाइंस हैं ओ ए एंड ओ बी, एक तरह से इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास क्या है, ओ। मीन्स बोथ दी लाइंस आर पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। तो इसीलिए मैंने पहला पार्ट डिस्कस किया, जो अब तक हमने किया, तो सारे के सारे फार्मूले यहां पे ये वाले लगेंगे। जब ज्वाइंट इक्वेशन आपने कर ली ना, जब हम इन दोनों की ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, उसके बाद वो डेफिनेटली हमारे पास किस फॉर्म की आएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों ओ ए और ओ बी जो है, इट इज पासिंग थ्रू दी, दीज आर पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि ज्वाइंट इक्वेशन के बीच के एंगल क्या होगा। तो अगर एंगल की बात करेगा तो हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे। अगर हमसे स्लोप पूछे उनकी, तो हम ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे, y इज इक्वल टू एम वन एक्स और y इज इक्वल टू एम टू एक्स।
अगर बोले कि ये लाइंस परपेंडिकुलर कब होंगी, कब होंगी, जब ज्वाइंट इक्वेशन OA और OB की, जब ज्वाइंट इक्वेशन हमारे पास कुछ इस फॉर्म की आ जाएगी और उसमें A प्लस बी की वैल्यू अगर जीरो होगी, अगर A प्लस बी की वैल्यू जीरो होगी, इन दैट केस ये जो इक्वेशन होगी दिस विल रिप्रेजेंट दी परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन। ओके नाउ, तो सबसे पहले अब हमारे पास क्वेश्चन जो है, हमने OA और OB की ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड करनी है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि वो इक्वेशन हमने कैसे फाइंड करनी है। तो जो इनकी ज्वाइंट इक्वेशन होगी, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ OA एंड OB शुड बी होमोजीनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, जब इन दोनों की हमने ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड करनी है, OA और OB की, बोथ आर पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, सो ये कौन से फॉर्म की होगी, इस फॉर्म की होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये जो इक्वेशन है ये होमोजीनियस है, तो अब हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट डिग्री के जो हमारे पास इक्वेशन नंबर वन है इसको होमोजीनियस बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर टू। सो क्या करेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। क्या कहा यहां पे मैंने, फर्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन वन है इसको होमोजीनियस बनाएंगे सेकंड डिग्री में विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर टू। तो सबसे पहले तो इक्वेशन नंबर टू को यहां पे मैं लिखूंगा एन के साथ, जब डिवाइड करूंगा एल एक्स प्लस एम वाई डिवाइडेड बाई एन इज इक्वल टू वन। तो यहां पे मेरे पास वन की मीन्स एल एक्स प्लस एम वाई और ओवर एन की वैल्यू यहां पे क्या आ गई, वन। अब मैंने फर्स्ट को होमोजीनियस बनाना है तो सेकंड डिग्री में बनाना है, तो ए एक्स स्क्र एज इट इज यहां पे मैं लिख दूंगा प्लस टू एच एक्स वाई, यहां पे भी डिग्री टू है, बी वाई स्क्र यहां पे भी डिग्री टू है। अब यहां पे एक्स हमारे पास सिंपल है, यहां पे डिग्री वन है, तो यहां पे मैं यहां पे एक एक्स्ट्रा यहां पे क्या कर दिया, एक्स को लिख लिया एक्स इंटू वन। सिमिलरली टू इंटू एफ इंटू वाई, वाई को मैंने यहां पे लिख लिया वाई इंटू वन, और सी पे सी यहां पे कॉन्स्टेंट है, डिग्री जीरो है, तो यहां पे मैंने लिख लिया वन का स्क्वायर। और अब मैं क्या करूंगा, यहां पे यहां से वन की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो जब मैंने वन की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर दी, वन की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी, वन की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी, ये आ गया, तो यहां पे भी वन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। और जब इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन आ जाएगी विच इज सेकेंड डिग्री की, विच इज सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। तो ये वाली जो इक्वेशन होगी, ये वाली जो इक्वेशन इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आएगी, दैट विल बी दी ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ ओ ए एंड ओ बी। ओके, तो ये तो था एक मेथड टू फाइंड द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ओरिजन टू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द कर्व। एक आप और भी काम कर सकते हो, जैसे आपको कर्व और लाइन की इक्वेशन गिवन है, दोनों को सॉल्व करके आप यहां पे अगर ए और बी पॉइंट अगर आपके पास आ जाएं, ए और बी पॉइंट आ जाएं, तो आप ओ ए की इक्वेशन फाइंड कर लो। जैसे अगर अब आपके पास ये वाला पॉइंट एक्स वन वाई वन है और ये वाला पॉइंट अगर x2 y2 है, तो सबसे पहले आप, क्योंकि यहां पे हमारे पास जीरो जीरो ओरिजन है, OA की इक्वेशन आप टू पॉइंट फॉर्म में लगा दो, यहां पे OB की इक्वेशन फाइंड कर लो, दो इक्वेशंस आपके पास स्ट्रेट लाइन आ जाएंगी। उसके बाद आप क्या करोगे, क्या करेंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम फाइंड कर लेंगे ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ OA एंड OB। तो एक तो मेथड जैसे होमोजीनियस बना के आप कर सकते हो, दूसरा मेथड आप पहले इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लो ए एंड बी, उसके बाद ओ ए की इक्वेशन फाइंड कर लो और ओ बी की इक्वेशन फाइंड कर लो, बाद में दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। सो तो वैसे भी आप दोनों की ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। नाउ अब मैं सिंपल एग्जांपल के साथ इस टॉपिक की स्टार्टिंग करता हूं। जैसे एक हमारे पास कर्व गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर,
और दूसरी हमारे पास स्टेट लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू टू। तो हमने क्या करना है, एक तो क्वेश्चन हमारे पास वही है, ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड करनी है, ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड करनी है लाइंस ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द कर्व। तो एक तो मेथड सबसे पहले हमने होमोजीनियस बना के किया, तो उसके लिए क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को लिखेंगे। नाउ दिस इक्वेशन नंबर टू कैन बी रिटन एज एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू वन। नाउ अब फर्स्ट को होमोजीनियस बनाने के लिए क्या करेंगे, नाउ वन को रीराइट करेंगे, इट इज एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, यहां पर तो ऑलरेडी डिग्री टू है, अब यहां पे डिग्री जीरो है, तो जहां पे जीरो होगी कांस्टेंट होगी तो वहां पे हम वन का स्केयर लिख लेंगे। अब यहां से वन की वैल्यू मैं यहां पे सब चीज कर लूंगा, तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर फोर इंटू एक्स प्लस वाई ओवर टू का होल स्केयर। नाउ दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू फोर इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्केयर डिवाइडेड बाई फोर, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्र। तो जब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस टू एक्स वाई, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो। क्लियरली ये किस फॉर्म की है, जीरो इंटू एक्स स्क्र प्लस वन इंटू एक्स वाई प्लस जीरो इंटू वाई स्क्र इज इक्वल टू जीरो, मीन्स इट इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्र प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्र इज इक्वल टू जीरो। एक तो मेथड ये था कि आप होमोजीनियस बना के कर लो। नाउ सेकेंड मेथड ये भी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप क्या करो, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लो, ए एंड बी। तो जैसा कि आपको पता है ये तो हमारे पास सर्कल है, नाउ इट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, और हमें ये भी पता है इसके जो वर्टिसेस आएंगे जो एक्स एक्सिस के साथ, माइनस टू कॉमा जीरो, इट इज जीरो कॉमा टू, जीरो कॉमा माइनस टू, और ये वाले हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, कुछ ऐसी स्ट्रेट लाइन है। अब दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आया, एक तो हमारे पास ए आया, एक बी आ गया। क्लियरली दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक तो हमारे पास जीरो कॉमा टू आ गया और दूसरा हमारे पास आ गया टू कॉमा जीरो। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि क्या करो, आप ओ ए एंड ओ बी की ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड कर लो। ओ ए एंड ओ ए की इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, ओ ए यहां पे हमारे पास क्लियरली वाई एक्सिस है, तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या आएगी, x इज इक्वल टू जीरो। और OB की अगर मैं बात करूं, चाहे आप टू पॉइंट फार्मूला लगा दो, तो OB की इक्वेशन यहां पे आ जाएगी हमारे पास, OB हमारे पास x एक्सिस है, तो ये इसकी इक्वेशन हमारे पास y इज इक्वल टू जीरो आएगी। तो अब दोनों की कंबाइंड इक्वेशन, ज्वाइंट इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है, दोनों को मल्टीप्लाई करके x इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो। तो एक तो मेथड था कि आप ऐसे होमोजीनियस बना के कर लो, या फिर आप इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लो ए और बी, फिर उसके बाद टू पॉइंट फार्मूला लगा के ओ ए एंड ओ बी की इक्वेशन सेपरेटली फाइंड कर लो, उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करके आप उन दोनों की ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। नाउ इस टॉपिक से रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। थैंक यू।